हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई ट्रस्ट कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने जीके का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जीके का आई थिंक पार्ट नंबर 6 है, पता नहीं कौन सा पार्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमने अपने पहले बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए हमने। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिका, अफ्रीका सब पढ़ लिया और नॉर्थ अमेरिका भी पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, हाईएस्ट पीक, वो सब, चलिए इसके बारे में हम लास्ट बार डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे एक क्वेश्चन रह गया था जो एक एशिया का था। ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। मैंने पेपर को आपके एनालाइज किया तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि लिखा है कि हुंद्रू वाटरफॉल्स, ये जो हुंद्रू वाटरफॉल है ये कहाँ पर है। वाटरफॉल तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि झरना, अगर आम भाषा में कहो तो झरना, ऊपर से पानी गिरता है। हुंद्रू वाटरफॉल, ये जो हुंद्रू वाटरफॉल है ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स। ये हुंद्रू वाटरफॉल ये रांची में है, ये हुंद्रू वाटरफॉल रांची में है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। इसमें क्वेश्चन है कि अफ्रीका ट्राइब पिग्मी की एक जनजाति है जिसको पिग्मी नाम की एक जनजाति है, वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। जो अफ्रीका की एक जनजाति है किसका क्या नाम है पिग्मी, और वो पिग्मी जनजाति अफ्रीका की है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है। वो स्थित है कांगो, वो कांगो रिवर के नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो आप मुझे बताइएगा कि वेयर इज कांगो, कांगो कहाँ पर है। हवा में तो होगा नहीं, होगा तो जमीन पर, तो बताइए जमीन पर किसकी जमीन पर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स लास्ट मीन्स कि साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है। इन दोनों को मैं साथ में ही कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए पहले हम अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको तो पता ही होगा कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा साउथ अमेरिका क्या है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए हैं सब में हमारा पहला क्वेश्चन था कि उसका रैंक एरिया के, ऑन द टर्म ऑफ एरिया के माध्यम से, और ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन के तरफ से कौन से नंबर पर आता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एरिया के नंबर पर आता है ये चौथे नंबर पे। ऑन द टर्म ऑफ एरिया साउथ अमेरिका आर ऑन फोर्थ पोजिशन, एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर साउथ अमेरिका आर ऑन फिफ्थ पोजिशन, साउथ अमेरिका पाँचवें नंबर पर आता है। चलिए इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है कि साउथ अमेरिका रैंक में एरिया में चौथे नंबर पर आता है और पॉपुलेशन पाँचवें नंबर पर आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इस सबसे ऊंची चोटी स्टूडेंट्स आपको हर कॉन्टिनेंट्स की याद रखनी है, हर कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है। उसकी हाइट याद रखिए, ना रखिए, बस याद रख उसकी ना रखिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हर उसका नाम याद होना चाहिए। साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट अकॉनकैगुआ, इसको हिंदी में भी अकॉनकैगुआ ही कहते हैं, माउंट अकॉनकैगुआ ही है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और ये माउंट अकॉनकैगुआ कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है। ये आपने नाम तो सुना होगा अर्जेंटीना में है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त साउथ अमेरिका में है, और वो कौन सा है, वो है एंजल वाटरफॉल, परी वाला वाटरफॉल। नो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एंजल वो परी नहीं, दूसरी एंजल है ये, एंजल वाटरफॉल। ये एंजल वाटरफॉल कहाँ है, वेंजुला में है। वेंजुला एक वेट कीजिएगा, थर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है साउथ अमेरिका पे, उसका नाम क्या है, एंजल वाटरफॉल। और ये एंजल वाटरफॉल कहाँ है, वेंजुला में है। वेंजुला एक देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कि कैसे एशिया में इंडिया है, चाइना है, ये सब है, वैसे ही वेंजुला है साउथ अमेरिका में है, वेंजुला में है क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त, जिसको आम भाषा में हम झरना भी बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज,
वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी साउथ अमेरिका में ही है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में है। नो 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 स्टूडेंट्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज तो मैंने आपको कराया था, यहाँ पे हमारे टाइपर टाइपिंग साहब से गलत हो गई, इस लार्जेस्ट की जगह आप लोग लॉन्गेस्ट लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट लिख लीजिए। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, लार्जेस्ट मतलब की होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज माउंटेन रेंज। स्टूडेंट्स आपने नाम तो सुना ही होगा, एंडीज माउंटेन रेंज, इसको हिंदी में भी एंडीज ही कहते हैं, एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, साउथ अमेरिका में है, उसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, विश्व का सबसे ऊंची नोगमिया झील, ये कहाँ पर है, कौन सी झील है ये विश्व की सबसे ऊंची नोगमिया झील कौन सी? मैं बताता हूँ कि नेविगेबल या नोगमिया झील क्या होती है, ये है, पहले इसका आंसर कीजिए, ये है लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल झील नोगमिया झील लेक कहाँ पर है, कौन सी है? वो है लेक टिटिकाका और ये बोलीविया, वेट कीजिए कौन सी है, ये है लेक टिटिकाका, ये बोलीविया और पेरू के बीच में है ये लेक टिटिकाका। बोलीविया और पेरू स्टूडेंट्स कंट्री है, कंट्री एक देश है दोनों, इन दोनों के बीच में है वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल झील लेक झील टिटिकाका। अब बताता हूँ कि नेविगेबल झील कहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जहाज़ों के लिए चलने योग्य झील। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये विश्व है और यहाँ पर ये लेक टिटिकाका है और ये यहाँ पर नाव चलते हैं, यहाँ पर ये नाव चल रही है। विश्व, आम भाषा में समझाता हूँ कि विश्व की सबसे ऊंची मान लीजिए कि ये पहाड़ सबसे ऊंचा है और यहाँ पर है नेविगेबल लेक। नेविगेबल लेक की मतलब कि सबसे ऊंची जगह पर चलने वाले जहाज, उसको बोलते हैं नेविगेबल लेक। और वो नेविगेबल लेक कौन सा है? वो है लेक टिटिकाका, किसके बीच में है? ये बोलीविया और पेरू के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? पिछले एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसका कमेंट में आंसर दीजिए, और कौन से कॉन्टिनेंट में था, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो उसमें आता है और पास सबसे ऊंचा है, बहुत ऊपर तक, इसकी ऊपर तक बहुत बहुत लंबा बड़ा है ये, क्या है नाम इसका? ये है ओजोस डेल साल्डो, स्पेलिंग बोल देता हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते होंगे कि आपको आसानी होगी, OJOS ओजोस DEL डेल SALDO साल्डो। और ये किसके बीच में है? ये चिले और अर्जेंटीना के बीच में है, अर्जेंटीना। और स्टूडेंट्स हमारा आज का रिवीजन करता हूँ कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी वो भी अर्जेंटीना में है, कौन सी है? माउंट अकैनकागुआ भी अर्जेंटीना में है। और वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो जोस डेल साल्डो। और ये किसके बीच में है? चिले और अर्जेंटीना के बीच में। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया डेजर्ट, ये जो पेंटागोनिया डेजर्ट है ये कहाँ पर है? तो स्टूडेंट अर्जेंटीना, ये भी अर्जेंटीना में ही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के तीन टॉपिक, सॉरी वो जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन था वो चिले और अर्जेंटीना के बीच में था, क्या था? वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ओजोस डेल साल्डो, और क्या था? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका माउंट अकैनकागुआ, वो भी अर्जेंटीना में, और पेंटागोनिया डेजर्ट वो भी अर्जेंटीना में है। और कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना एक देश है, वहाँ पर है पेंटागोनिया डेजर्ट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। रिवर अमेज़न। ये लार्जेस्ट अपने बहाव के कारण है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैसे नील है, इसको ये लार्जेस्ट अपने बहाव के कारण है, बहुत ज़्यादा बहाव है इसका, इसलिए इसको ये अमेज़न इसका बहाव के कारण है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है, वो है अटाकामा। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा है, कहाँ पर है, चिले में है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स, ऊपर के क्वेश्चंस चिले और अर्जेंटीना के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ज़्यादातर चीज़ें अर्जेंटीना में हैं और कुछ चीज़ें चिले और अर्जेंटीना के बीच में हैं, तो आपको ये आसानी होगी याद करने में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका में मुझे आपके लिए इतने पॉइंट्स ही कारगर लगे और हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स, जैसे ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, सबने देखा होगा कि यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा इंडिया भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता था, पहले ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में होते थे, अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर रह गया और इंडिया यहाँ पर चला गया। अब वो इंडिया यहाँ पर क्यों चला गया, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊँगा अगर हो सकेगा तो। हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर ले, वही अपना घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले रैंक में और एरिया, रैंक और कौन सा है, एरिया और पॉपुलेशन में, एरिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का रैंक है 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और पॉपुलेशन में 6ठे नंबर पर आता है, जनसंख्या के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आर ऑन 6th पोजीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज। और ये एक और बात, ये ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, जिसका एक क्वेश्चंस के एक आंसर के दो दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, दो क्वेश्चंस का जो एक आंसर होता है, वो क्वेश्चंस आपको तो आंख बंद करके याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके आने के चांसेस बाकी क्वेश्चन से थोड़े हाई है। तो चलिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज, बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो वो थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज और विश्व का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपको समझ नहीं लगा होगा तो कमेंट में कीजिएगा आंसर, और फिर भी नहीं लगेगा तो मैं समझाऊंगा, और फिर भी नहीं लगेगा तो खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर भी नहीं लगेगा तो अपना सर दीवार में मार लीजिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वेट कीजिए, कहाँ गए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का दो इम्पोर्टेंट रिवर है कौन कौन से है, मुरे एंड डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। याद कर लीजिए कि मुरे नाम का एक लड़का है, वो अपने जीएफ को डार्लिंग कहता है, मुरे नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को डार्लिंग कहता है। दोनों ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा, मुरे नाम का लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को डार्लिंग कहता है, मुरे एंड ऑस्ट्रेलिया आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स। और ऐसे की दिए, मुरे नाम का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम डार्लिंग है, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और कहाँ पर रहते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स पास, ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण रिवर के पास रहते हैं। तो ये इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया आल्सो कॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को फॉरगॉटन लैंड कहा जाता है, और थ्रस्टी लैंड भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड भी कहा जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में पानी की बहुत कमी है अभी हाल फिलहाल में, क्या पता नहीं कब ऑस्ट्रेलिया में 700 से 800 ऊँटों को मार गिराया था, क्योंकि ऊँट पानी बहुत पीते थे इसीलिए उन ऊँटों को 700 से 800 ऊँटों को मार गिराया था, पानी की बचत हो और लोग पी सके। तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को फोरगोटन लैंड कहा जाता है और थ्रस्टी लैंड भी कहा जाता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया 200-300 साल पहले ही बना है। कब बना ही ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर कब हुआ है? 1770 में ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ है। किसके द्वारा? कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है। देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 1770 और 2021 चल रहा है, 250 अप्रोक्स ईयर रगो कि ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन हुआ है। देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, और उसको क्या बोलते हैं, इसको फॉरगॉटन लैंड बोलते हैं और थ्रस्टी लैंड बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? लेक आयरे है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट लेक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण रेगिस्तान कौन कौन से हैं? पहले हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा है गिब्सन डेजर्ट, दूसरा है गिब्सन डेजर्ट और तीसरा है ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट। ये स्टूडेंट्स तीनों आपस में मेलजोल करते हैं, याद करने में आसानी रहेगी, इसकी ट्रिक्स तो नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नहीं रखना चाहते तो फिर भी रखिएगा याद, याद रखना चाहते हैं तो याद, फिर तो वेरी गुड। तो ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट लेक तीन है, पहला है ग्रेट डेजर्ट सॉरी ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट तीन है, पहला है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा है गिब्सन डेजर्ट, तीसरा है ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट एवरेज हाइट, मतलब कि फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे समतल महाद्वीप कौन सा है? लीस्ट एवरेज हाइट और उसकी हाइट जो है वो सबसे कम है और एवरेज में है। फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट मान लीजिए कि जैसे समतल है, समतल कैसे, समतल तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे समतल क्या होता है। समतल कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, समतल कॉन्टिनेंट। कैसे क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट, निम्नलिखित में से सबसे समतल महाद्वीप कौन सा है? तो आपको आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, आपका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउदर्न एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड इन, साउदर्न एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड इन, हर सी बात है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं पर इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, क्या स्थित है? साउदर्न एल्प्स माउंटेन रेंज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आज के लिए बस इतना ही, हमारी जो मैंने ये लिखा कि इंडियन ज्योग्राफी है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इंडिया की बात आ गई स्टूडेंट्स, इसमें तो आप छोड़िए, मैं तो इंडिया को अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा चीर फाड़ देंगे पूरा इंडिया को, इंडिया के दुश्मनों को चीर फाड़ देंगे, अच्छे से सब कुछ याद रखेंगे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, फिर जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं है, फिर इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है वो थोड़ा पाकिस्तान से भी मिलता है, फिर इंडिया का हाईएस्ट पीक जो पूरा इंडिया में ही है वो है कराकोरम, ऐसे ऐसे सब, इंडिया का जो सियाचिन ग्लेशियर है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वो भी इंडिया में है, और सियाचिन ग्लेशियर है वो भी बैटल फील्ड है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड वो ही है, इंडिया में ही है वो भी। बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइएगा कि अगर हम आपको कमेंट्स में बताइए हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करें या कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि जो आपके पेपर्स में आते हैं, आपके पीवाईक्यू एनालाइज करके आए हैं कि वो स्टार्ट करें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।